सही ड्रिंक चुनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम हमारे कौशल का परीक्षण करेंगे बुबुम के इस नए वीडियो में। जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि यह कैसे होगा, लेकिन अभी इस मजेदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। नमस्कार देवियों और सज्जनों। अजीब है, सब लोग कहाँ गए? चलो इसे तुरंत ठीक करता हूँ। एमा, हम एक नई चुनौती में है। वाह, इतने सारे कॉकटेल, कितना ठंडा है। मुझे डर लग रहा है, मैं ये दस्ताने पहन लेती हूँ। आह, ये बेहतर है। मेरे दांत, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। वह इसलिए क्योंकि मैंने इस कॉकटेल में बहुत बर्फ डाला है और बहुत सारा ठंडा पांचा। देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, पर बहुत ठंडा है। सारा, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें अभी ठीक करती हूँ। रुको, कितना गर्म, मुझे भी दस्ताने पहनने होंगे। चलो इसे पियो। एमा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो और भी सावधान रहता। यह मिश्रण तो बहुत ही गर्म है, मुझे खुद छूने में डर लग रहा है। धन्यवाद एमा, तुमने मुझे ठीक कर दिया। अब क्या मुझे कुछ अच्छा मिल सकता है पीने के लिए? कितना स्वादिष्ट, मेरे लिए भी थोड़ा छोड़ना। कितनी गर्मी है यहाँ, मैं समझ सकता हूँ कि सारा अपना फांटा पीने से अपने को क्यों नहीं रोक पा रही है। मन एकदम ताजा हो जाता है। दोस्तों, तुम्हें यह ड्रिंक बहुत पसंद आएगा। बहुत बढ़िया। मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गई थी एमा, माफ करना। ड्रिंक बदलना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ड्रिंक डरावने भी लग रहे हैं। ये बीच वाला ड्रिंक बुरा नहीं है, यह मेरा है, मुझे भी चाहिए। और मुझे पता है यह कैसे हो सकता है। बस एमा के हाथ को व्यस्त रखना होगा। तुमने मेरे हाथ क्यों बांधे? ताकि मैं ये ले सकूं। मुझे पता था मेरा विशेष ड्रिंक तुम्हें पसंद आएगा, और सिर्फ इसके लिए ही मैंने इस नारियल को सिर्फ अपने हाथों से तोड़ा ऐसे, और इस तरह मुझे इस ड्रिंक के लिए नारियल पानी मिला। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक नारियल काफी नहीं था, मुझे और जरूरत थी, और बहुत सारा और, जब तक कि मेरे हाथ थक नहीं गए। और फिर यह ताजे स्ट्रॉबेरी, इसने मुझे दर्द से बचने में मदद की। सारा, तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, हमें यह पीना होगा। कितना खराब है। लगता है एमा को मेरा वैम्पायर वाला ड्रिंक नहीं पसंद आया। अफसोस है, मैंने बहुत कोशिश की थी इस रेसिपी के लिए। मैंने लहसुन का भी इस्तेमाल किया, और इसकी भयानक महक से बचने के लिए मैंने बहुत सारी सावधानी बरती, और साधारण सोडा की मदद से मैंने इसे एक असली कॉकटेल में बदला। यह एक असली विस्फोटक ड्रिंक निकला। मुझे उल्टी होने वाली है। यह देखने में अच्छा नहीं लगा। हाँ, चलो देखते हैं यहाँ क्या है। मैं यह बीच वाला लेती हूँ। कितना गंदा है, लेकिन यह मेरी गलती थी।
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें तुम्हें क्या पसंद नहीं आ रहा सारा। मैंने ये कॉकटेल तो बहुत प्यार से बनाया है। इसमें मेरा पसंदीदा अचार है और थोड़े सार्डिन। हाँ शायद ये देखने में उतने अच्छे नहीं है और महक भी बुरी है, लेकिन मैंने सब अच्छे से पीस दिया ताकि समझ न आए कि इसके अंदर है क्या। मैं तो इसे कभी पीने की हिम्मत भी नहीं करता। और इसके बदले मैंने कुछ स्वादिष्ट ड्रिंक भी बनाए स्प्राइट के साथ। और इसे और दिलचस्प बनाने के लिए मैंने इसमें नींबू के कुछ टुकड़े भी डाले। मुझे लगता है किसी ने मुझे जहर दे दिया हो। मुझे इस बकवास ड्रिंक का स्वाद मुंह से हटाने के लिए तुरंत कुछ चाहिए। ओह कितना स्वादिष्ट, इसकी ही जरूरत थी मुझे अभी। अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। ओह एक नींबू, माफ करना ये बहुत शर्मनाक है ना। मैं हमेशा की तरह बीच वाला ड्रिंक लूंगी। बहुत अच्छा चुना सारा, यह हर बच्चे की पसंदीदा ड्रिंक होती है दूध। मैंने बस इसे बोतल से इसमें डाल दिया और हो गया। बहुत प्यारा लग रहा है। सच से इससे यादें ताजा हो गईं। अरे सारा असली दुनिया में आओ, यह मदद करेगी। मैं तो बहरी हो जाती। हाँ तुम्हें वापस होश में लाना था। और अब समय है मुझे अपना ड्रिंक पीने का। तुम्हें इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए थी एम्मा। इस कॉकटेल में है ब्रोकली। मुझे नहीं लगता यह तुम्हें इतना पसंद आएगा। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की मैंने पूरी कोशिश की। अच्छे से हो गया, लेकिन ब्रोकली का स्वाद तो रहेगा ही। देखते हैं तुम्हें कैसा लगा। मुझे चक्कर आ रहे हैं। एम हाँ उठो। हाँ कुछ मुझे बता रही है कि ये वाला स्वादिष्ट होगा। या ये वाला। मैंने सही सोचा, मुझे अब यह चखना है। एक फिजी जेली, बहुत बढ़िया। अब चलो पता लगाते हैं कि इसके अंदर क्या है। मुझे लगता है तुम्हें मेरा यह छोटा सा केमिस्ट्री पसंद आएगा सारा। मैंने बस इसमें सबसे ताजे और मीठे संतरे ढूंढे और सारे निचोड़ दिए। और इसका ऊपरी हिस्सा गमी जेली का बना है। और इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने ये फूटने वाला कैंडी डाला। और यह कमाल का निकला। वाह मुझे बहुत पसंद आया, मुझे भी मिला है। बहुत बढ़िया, इतना स्वादिष्ट। लेकिन किसी वजह से मेरा सिर फूट रहा है। ओह आशा है कि बाकी का भी इतना ही धमाकेदार हो। इस बार नहीं एमा, उस कॉकटेल को पीने के लिए एक जेडाई की तरह धीरज होना चाहिए। और यह इसलिए कि इसके अंदर है बहुत सारे खट्टे नींबू का रस जो मैंने खुद अपने हाथों से निचोड़ा है। लेकिन इसका ऊपर वाला हिस्सा जेली और कैंडी का बना है। आशा है कि इससे ड्रिंक का असर कम हो जाए। Thank you.
मेरे मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया। कितना खट्टा है। बिंगो। इस बार शर्त लगा लो कि मैं भाग्यशाली निकलूंगी। मैं ये वाला लूंगी। ओह, कितना तीखा है। मुझे कुछ और पीना होगा। ओह, यह और भी तीखा है। एमा, अफसोस है कि तुम्हें मैक्सिकन खाना नहीं पसंद है। यह लाल मिर्च के बिना नहीं बन सकता है और यह सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि ड्रिंक्स के लिए भी होता है। और बेशक मैंने इसमें टबैस्को भी डाला है, दुनिया का सबसे तीखा सॉस। इसका परिणाम काफी जानलेवा होगा, है ना? मैं कुछ सोचती हूँ। यह रहा एक आग बुझाने वाली मशीन। मैं मदद करती हूँ। धन्यवाद सारा, तुमने मेरी जान बचा ली। अगर मेरा ड्रिंक गंदा था, इसका मतलब है कि अभी जो टेबल पर है वह स्वादिष्ट होगा। सही कहा। और इसका मतलब है यह मेरा है। सारा, इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? अपना समय लेकर इसका स्वाद लो। तुम्हें सोडा पसंद है ना? इसमें बहुत है। यह लाजवाब था। इस बार सारे ड्रिंक्स काफी अजीब लग रहे हैं। यह बीच वाला बुरा नहीं लग रहा है। एकदम सही कहा, क्योंकि इसके लिए मैंने अपने सबसे महत्वपूर्ण चीज को कुर्बान किया, मेरी आंखें। मजाक कर रहा हूँ, यह बस गमी कैंडी है। और इसको मैंने नींबू फ्लेवर का फैंटा भी भरा है इसमें। यह सच में मेरा मास्टरपीस है। और यह क्या है? गमी आंखें। तब मुझे और चाहिए। कितना स्वादिष्ट है। या रहे थोड़े और। तब मैं कैसी लग रही हूँ? तुम्हारे लिए एमा, मैंने कुछ और भी बेहतर बनाया, रामेन नूडल्स। यह बहुत ही नमकीन और सुगंधित निकला, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले हैं। ओके। मैं यह चखने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सारा मेरे ऊपर गिर गया। हाँ, लेकिन यह चुनौती बहुत मजेदार था, है ना? याद रखिएगा दोस्तों, अगर कुछ अच्छा दिखे इसका मतलब यह नहीं होता कि इसका स्वाद हमेशा अच्छा हो। बस ये नियम याद रखिए और किसी के जाल में ना फंसे। तो हमेशा हंसते रहें और स्वादिष्ट कॉकटेल का मजा लेते रहें।